स्टार भारत के सीरियल ससुराल गेंदा फूल सीजन 2 में आज घरवाले हो गए हैं इमोशनल। सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। असल में दादाजी कहीं खो गए थे, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो अब मिल गए हैं और ईशान अपने दादाजी को घर ले आया है। दादाजी को देखकर सभी घर वाले खुश हो गए हैं और दादाजी को देखकर सभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे में दादाजी भी हो गए इमोशनल। हद होती है यार जिम्मेदारी की। भूल गए मैं। डांट क्यों रही? डांटू नहीं तो क्या करूं? अरे भूला था ना, अकेले कहीं नहीं जाओगे तुम। पर नहीं, मजाल है, जो मेरी बात सुन लो। सांपा खड़ा करके रख दिया बैठे मिठाए। फैमिली बहुत इमोशनल हो गई, बहुत मतलब सब लोग रोए कि दादाजी कहाँ चले गए थे, आप कहीं कुछ हो जाते तो। वो जो एक डर था ना कि कहीं कुछ हो जाता तो आप भूल जाते, कभी हम आपको देख पाते या नहीं, सो वो सबके चेहरे पे बहुत दिख रहा है। एंड इट इज़ सो हार्ट टचिंग व्हेन यू सी अ फैमिली हु केयर्स यू नो सो मच फॉर एवरीवन। तो तभी भी मैं दादाजी को बोलता हूँ, दादाजी फील्स कि मैं बोझ बन गया हूँ तुम सब पे। मैं ना, दादाजी आप देख रहे हैं कितना प्यार कर रहे हैं सब आपसे। सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग अगेन कि सी हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग घर में बोझ हो जाते हैं, पीपल डोंट ट्रीट देम प्रॉपरली। बट यहाँ पे सब पागल हो गए थे कि दादाजी कहाँ चले गए, दे वर सो वरीड। सो यू फील गुड के यार आज की डेट में भी यू फील यू नो कि ऐसी फैमिलीज भी हैं जहाँ पे इतना प्यार है, बड़े हो बुजुर्ग हो। उल्टा हमको तो ये चाहिए कि दादाजी आप तो हमें चाहिए, एक छत चाहिए। यू नो जो हम बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो घर की छत होते हैं, एक साया होता है, तो वो तो हमें चाहिए दादाजी। आप कभी हम पे बोझ नहीं बन सकते। तो बहुत सब इमोशनल हो गए हैं एंड पसंद की चीज़ें बनाई गई हैं। दादी ने डांट भी दिया कि बुढ़ाऊ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम कहाँ चले गए थे, इस बुढ़िया का थोड़ा तो ख्याल रखो। सो इट्स अ वेरी क्यूट थिंग अगेन बिटवीन देम। एंड ईशान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो भी देखता है कि अरे मेरी फैमिली देखो कितनी अच्छी है। उसको थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत तो है, इस फैमिली को मैं दुख पहुँचा रहा हूँ जो इतना प्यार करती है मुझसे, अब एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी है उसके कि यार गलत कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो उसका भी एक वो होगा सीन कि यू नो वेयर ही फाइनली डिसाइड्स कि मैं घर पे सब कुछ बता दूंगा कि तितली चोर है, मैं उसे यहाँ पे एक डील करके लेके आया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करो। सो लेट्स सी वो सीन कैसे होता है। बट यस, ही इज़ प्लानिंग नाउ एंड ही इज़ डिसाइडेड नाउ।